भाजपा की सरकार आ रही है 400 पार है इस बार। रोजगार रोजगार मिला कि नहीं? एकदम मिल रहा है, मिल रहा है। आखिर ये अच्छा बात है, रोजगार मिल रहा है। आप कह रहे हैं विपक्ष क्या चिल्ला रहा है कि रोजगार नहीं है सरकार में, अब महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है सरकार में, बैकवर्डों का उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में। इसके पहले उत्पीड़न होता था, अब सबको सम्मान मिल रहा है। लेकिन त्रिलोकीनाथ गुप्ता, अच्छा कितने साल से ये चाय का कारोबार? 1972 से। 1972 से क्या लोग चर्चा और क्या करते हैं, क्या माहौल आजम करते हैं? सब लोग बालों चर्चा करते हैं बैठ के। अच्छा अच्छा, चर्चा होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, तभी मालूम होता है कि कौन क्या कर रहा है। जी परिवर्तन का माहौल है, लग रहा है ऐसे था देखते हुए न्यूज की यहाँ बीजेपी आ जाएगी। क्या नाम है भैया? खूब मजे ले ले, लौलता खा रहे हैं, क्या नाम? नमो बता दीजिए। कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमैर आजमी। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वांचल के गढ़ यानी कि आजमगढ़ में। ये वो आजमगढ़ है जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ बताया जाता रहा है, लेकिन 2022 के उपचुनाव में यहां पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला यानी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ यहां से सांसद बने। लेकिन अब चार चरण का चुनाव कम्प्लीट हो चुका है। चाय के एक होटल पर हम मौजूद हैं और ये बड़ा मशहूर चाय का होटल है। तस्वीरें दिखाएंगे कैमरामैन, यहाँ समोसे घाटी और हर वक्त आपको 25 से 50 लोग चाय पीते हुए और राजनीति पर चर्चा करते हुए देखे जा सकते हैं। पहले बात करते हैं, चाचा क्या नाम आपका? त्रिलोकीनाथ गुप्ता। अच्छा कितने साल से ये चाय का कारोबार? 1972 से। 1972 से क्या लोग चर्चा और क्या करते हैं, क्या माहौल आजम करते हैं? सब लोग चर्चा करते हैं बैठ के। अच्छा अच्छा, चर्चा होती रहती है, राजनीति चर्चा होती रहती है। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है यहाँ की क्षेत्र की जनता आजमगढ़ की। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजमगढ़ की जनता का क्या मूड है। भैया क्या नाम आपका? हरिचरण यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ सिटी के बगल में। अच्छा ये बताइए यादव जी, क्या माहौल है इस बार आजमगढ़ का? साइकिल साइकिल, बीजेपी का कमल खिल गया था उपचुनाव में। अरे वो हो गया। अरे पूरा भोजपुरी जगत आया है प्रचार करने। नहीं साइकिल साइकिल बहुत जोर से। सपा के किले में कोई सेंध लगा पाएगा क्या? नहीं कतई नहीं, कोई नहीं। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, 400 पार कह रहे हैं। अब भाई वहाँ की राजनीति नहीं जानते, हम आजमगढ़ जानते हैं। आजमगढ़ साइकिल जीत रही है, बस साइकिल जीत रही है। और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए। भैया क्या नाम आपका? उधर पूछिए क्या नाम, नाम हो तो बता दीजिए महाराज, क्या नाम, नाम क्या है, नाम क्या है? इंद्रकेश यादव नाम है। अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? अजमतगढ़ ब्लॉक के। अच्छा क्या माहौल है आजमगढ़? साइकिल जीत रही है। साइकिल जीत रही है, भाजपा नहीं? नहीं नहीं। अच्छा यहाँ लड़ाई किसकी है, धर्मेंद्र यादव या दिनेश लाल यादव निरहुआ में? वही धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल निरहुआ के बीच में है। और भी लोग हैं, आइए बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रमेश चंद। बात तो कर लीजिए एक मिनट, यहाँ आइए आप। कहाँ कहाँ के रहने वाले? दोहरीघाट के रहने वाले। अच्छा दोहरीघाट के। अच्छा मऊ जिले। अब यहाँ का हम क्या है? क्या माहौल है मऊ में? अच्छा मऊ में अभी सपा ले जाएगी समाजवादी पार्टी। अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कितने हमने काम किए हैं, विकास किए हैं, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिया गया है इस सरकार में। आप कह रहे हैं कि सपा आ रही है? वहाँ सपा आ ही रही है ना, सपा आ रही है। हाँ मऊ में भी सपे आ रही है। अच्छा और भी लोग हैं मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, आइए लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये आजमगढ़ है, यहाँ से 2014 में मुलायम सिंह यादव सांसद हुए, 2019 में अखिलेश यादव सांसद हुए, लेकिन 22 में दिनेश लाल यादव और निरहुआ सांसद हुए। आइए लोकसभा 24 आ गया है, अब बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? नरेंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं आजमगढ़ का। आजमगढ़ के, क्या माहौल आजमगढ़ में? ठीक है। क्या कौन आ रहा है, भाजपा कमल खिल रहा है, साइकिल चल रही है आगे कुछ? अच्छा आइए और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए। क्या नाम भैया? सर मेरा नाम बबलू सिंह है, लेकिन हम घोसी लोकसभा से। घोसी में ही क्या माहौल है वहाँ का? घोसी में तो एक तरफा छड़ी है, अरविंद राजभर वहाँ 1 लाख से चुनाव जीत रहे हैं। अरविंद राजभर जी। अच्छा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है वीडियो, ओम प्रकाश राजभर जी जो कभी समाजवादी पार्टी के खेमे में थे, पानी पी के कूदते थे भाजपा को, इस बार उनका भी बहिष्कार जनता कर रही है कुछ जगह? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नेता है, नेता जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी की बात करेंगे, जो जिस पार्टी में रहेगा उस पार्टी का गुणगान करेगा। अच्छा छोड़िए, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? कोई शक है क्या इसमें? नरेंद्र मोदी 400 पार। विपक्ष कह रहा है युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, महिलाओं को सम्मान नहीं मिला है, भ्रष्टाचार की सीमा लांग गई है इस भाजपा सरकार। मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि पक्ष और विपक्ष दो चीज है, पक्ष जो है वो कहेगा कि अच्छा काम हुआ है, विपक्ष है वो हमेशा यही कहेगा कि गलत काम हुआ है। क्या नाम है भैया आपका?
तेज प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले? बलिया। बलिया लोकसभा घोसी पड़ता है। अच्छा, घोसी पड़ता है। क्या माहौल है वहाँ घोसी? माहौल बीजेपी वहाँ अच्छी है, बीजेपी चूंकि गठबंधन है एनडीए का। अच्छा, आजमगढ़ भी तो एपी सेंटर रहा है राजनीति का, तो यहाँ क्या लगता है कौन जीत जाए? खबरों को देखते होंगे? खबरों को देखते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, खबरों को देखते हुए लग रहा है साइकिल इस बार यहाँ जीत जाएगी, साइकिल जीत जाएगी। लेकिन दिल क्या कहता है कि कौन 24 में परिवर्तन होना चाहिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से या बीजेपी दोबारा से? देखिए, ये इंडिया है, परिवर्तन होता रहता है, तभी मालूम होता है कि कौन क्या कर रहा है। जी, परिवर्तन का माहौल है, लग रहा है ऐसे देखते हुए न्यूज की यहाँ बीजेपी हार जाएगी। क्या नाम है भैया? खूब मजे ले ले लौन लता खा रहे हैं, क्या नाम है? नाम वो बता दीजिए। कोई ना क्या? अच्छा, क्या नाम है आपका? सुधीर यादव। अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले? बलिया। बलिया, अच्छा, क्या माहौल है बलिया का ही बताइए आप। बलिया सनातन पांडे जी। बलिया सनातन पांडे। अच्छा, आइए दर्शकों, आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री का दौरा इसी आजमगढ़ में हुआ और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि आजमगढ़ को जिस तरीके से आतंकगढ़ का मरकज कहा जाता था, कहीं भी बम धमाके होते थे चर्चा आजमगढ़ की होती थी, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की प्रतिष्ठा के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाती थी, ना आजमगढ़ के लिए कुछ की। ये कहना प्रधानमंत्री जी का था, लेकिन आइए जनता से जानते हैं। क्या नाम आप? नितिन सिंह। कहाँ के रहने वाले? हम तो यहीं के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के। आजमगढ़ में कहाँ? कौन सी? सिदारी सदर। सिदारी सदर। अच्छा जी, यहाँ क्या माहौल लग रहा है? यहाँ साइकिल जीत रही है। साइकिल जीत रही है जी। बीजेपी बड़ा काम कर रही है, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी कह रहे हैं गोरखपुर से डायरेक्ट लाइन बनारस तक की चालू होगी, सड़कें बन जाएंगी और हमने यूनिवर्सिटी बना दी, हमने एयरपोर्ट बना दिया, आप कह रहे हैं साइकिल? कुछ भी किया हो, लेकिन आजमगढ़ के लिए मुलायम सिंह यादव की परवाही की है। प्रधानमंत्री जी हाल ही में आए थे, रैली में गए थे कि नहीं आप? नहीं नहीं गए थे हम। अच्छा, नहीं, हम लोग समाजवादी पार्टी के, हम लोग नहीं गए थे। नमो क्या? बिपिन सिंह। बिपिन सिंह जी, क्या नाम आपका? अमित सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ऊंचा गांव। अच्छा, क्या लगता है क्या माहौल है? भाजपा की सरकार आ रही है, 400 पार है इस बार। रोजगार रोजगार मिला कि नहीं? एकदम मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ, आखिर ये अच्छा की बताइए, रोजगार मिल रहा है? आप कह रहे हैं विपक्ष क्या चिल्ला रहा है कि रोजगार नहीं है सरकार में, अब महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है सरकार में, बैकवर्डों का उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में? इसके पहले उत्पीड़न होता था, अब सबको सम्मान मिल रहा है। लेकिन ये कहे लोग कहते हैं ये आजमगढ़ है, सपा का गढ़ है, सपा का किला है, इसके पहले क्यों नहीं जीत गए? उपचुनाव में तो हार गए थे धर्मेंद्र यादव जी, लेकिन इस बार सक्रियता बढ़ी है सपा की, सपा कह रही है इस बार तो हम जीत ही जाएंगे। चलिए, तो 4 तारीख को पता चलेगा ना। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बन जाए बेहतर है? मोदी जी बनेंगे। अच्छा, बीजेपी मान लीजिए जीत जाती है तो अमित शाह जी बेहतर हैं या योगी आदित्यनाथ जी या फिर से मोदी ही जी? क्या तीन चेहरे आपके पास अगर हैं, अमित शाह जी, मोदी जी और योगी जी, तीनों में से प्रधानमंत्री कौन बन जाए बेस्ट है? मोदी जी के बाद योगी जी बनेंगे। योगी जी। अमित शाह जी? अमित शाह जी नहीं बनेंगे, योगी जी बनेंगे। अच्छा, योगी जी पसंद है आपकी, चलिए शुक्रिया। क्या नाम है आपका? पीयूष सिंह। क्या नाम, कहाँ के रहने वाले? यहीं। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी। बीजेपी यहाँ आजमगढ़ में बीजेपी? हाँ, लोग कह रहे हैं सपा ना, इस कहने दो, क्या वो तो 4 तारीख को रिजल्ट पता चली जाएगा, कहने को अलग चीज है। दिनेश लाल यादव और निरहुआ का कहना है कि हमने यहाँ पे लगभग कई दर्जनों फिल्मों की शूटिंग की है, हमने पूरे इंडस्ट्री को यहाँ उतार दिया, समाजवादी पार्टी के लोग जीत के जाते हैं अपना सर्टिफिकेट भी नहीं। एक्चुअली शूटिंग नहीं किया उसने, 15 महीने में जो काम कर दिया वो शायद सपा ने 5 साल में नहीं किया होगा। जो उसने दावे कर रहे हैं कर नहीं रहे हैं। आप पूरा शहर घूम लीजिए, कहीं भी अगर एक रोड पे एक पैच लगा हो आपको पता चल जाएगा 15 महीने में जो उसने काम किया है। ठीक है, क्या नाम आपका? अंजनी कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले? यहीं आजमगढ़ के रहने वाले। क्या माहौल इस बार? माहौल तो भाई बीजेपी में है, बीजेपी का ही है। अच्छा, लोग कह रहे हैं ये आजमगढ़ है, यहाँ सपा का साइकिल चलती है, सपा गढ़, तभी तो आज तक विकास नहीं हुआ है, रोजगार नहीं मिल रहा। लोग कह रहे हैं 5 किलो राशन दे के बीजेपी लुभा रही है जनता। ठीक है, पहले 100 रुपये था, आज के 10 साल पहले मजदूरी, और आज 500, उसकी बात उसको नहीं देखेगा कोई? वो भी तो महंगाई है, 5500 मिल रहा है, वो भी तो महंगाई है, उसकी हमारी आमदनी भी तो बढ़ी है। चलिए शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त हम मौजूद थे आजमगढ़ में, आजमगढ़ से इस वक्त सांसद हैं वर्तमान दिनेश लाल यादव और निरहुआ, जो कि लोकसभा उपचुनाव जो 22 में हुआ था अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद, यहां से उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन फिलहाल जो कैंडिडेट हैं धर्मेंद्र यादव जी के चचेरे भाई, अखिलेश जी के सॉरी चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जी यहाँ समाजवादी पार्टी के टिकट से मैदान में हैं, और वहीं दूसरी तरफ
बीएसपी ने भी अपने कैंडिडेट को उतारा है, लेकिन बीएसपी का कोई बहुत अच्छा खासा जनाधार नहीं देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की ही लड़ाई आजमगढ़ में रहेगी। कैमरा पर्सन शुभम शुक्ला के साथ उमैरा, आजमगढ़।